दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस को रोकने के मुद्दे पर रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र मंत्रालय में LG अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। अमित शाह ने बताया कि मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। दिल्ली में कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए बेड की कमी को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने तुरंत 500 रेलवे कोच दिल्ली को देने का निर्णय लिया। इन रेलवे कोच से न सिर्फ दिल्ली में 8000 बेड बढ़ेंगे बल्कि यह कोच कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए भी सभी सुविधाओं से लैस होंगे। इससे दिल्ली सरकार और मरीजों को राहत मिलेगी। अमित शाह ने बताया कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मोदी सरकार कटिबद्ध है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में कोरोना का टेस्ट अगले 2 दिनों में 2 से 3 गुना बढ़ाया जाएगा जबकि अगले 6 महीनों में 3 से 4 गुना बढ़ाया जाएगा। यह जांच दिल्ली के कंटेनमेंट जोन इलाके में कुछ ही दिनों में शुरू कर दी जाएगी। अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने एम्स समिति संगठित करने का फैसला लिया है। टेलीफोन पर यह जानकारी और मार्गदर्शन के लिए एम्स की समिति काम करेगी और यह दिल्ली के छोटे छोटे अस्पतालों को COVID-19 के संबंध में दिशा निर्देश देगी। LG अनिल बैजल CM केजरीवाल और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर दिल्ली की जनता की सुरक्षा व इस संक्रमण को रोकने के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर हुई मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और LG अनिल बैजल शामिल हैं। इन नेताओं के साथ डिप्टी CM मनोज सिसोदिया, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्यन जैन समेत कई बड़े अधिकारी भी मीटिंग में मौजूद रहे।